तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक पॉपकॉर्न मशीन कैसे बना सकते हो। लेकिन इससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इसे लाइक कर दे, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो पॉपकॉर्न मशीन बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2x3 साइज का 2 ब्लॉक तक एक गड्ढा डिग करना है, और फिर आपको यहाँ पर स्लैब लगा देने होंगे। ओके, तो ये करने के बाद आपको यहाँ पर 2 आर्मर स्टैंड लगा देने होंगे एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए। तो आपको फिर से यहाँ से 2 ब्लॉक हटाने पड़ेंगे और यहाँ पर स्लैब लगा देने होंगे, और फिर आपको यहाँ पर वॉल ब्लॉक लगा देने होंगे। फिर आपको दोनों आर्मर स्टैंड को अपनी तरफ पुश करने के लिए यहाँ पर 2 पिस्टन लगाकर उनको एक्टिवेट कर देना होगा। ओके, तो हम फिर पिस्टन को हटा देंगे और बीच में एक वॉल ब्लॉक लगा देंगे, और जो हमने वॉल ब्लॉक यहाँ पर लगाए थे उनको यहाँ से हटा देंगे। फिर हम इन दोनों आर्मर्स को एक दूसरे की तरफ पुश करने के लिए इनके दोनों साइड पिस्टन्स लगा देंगे और उनको एक्टिवेट कर देंगे, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ पुश हो जाए। फिर हम पिस्टन्स को हटा देंगे। फिर आपको इन दोनों आर्मर्स को फेदर स्केलेटन हेड पहना देना होगा, और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे डर्ट ब्लॉक, जिससे कि ये पूरा छिप जाएगा। और ऊपर से डर्ट ब्लॉक को पुश करने के लिए हमें ऊपर पिस्टन्स लगाने होंगे और उनके नीचे डर्ट ब्लॉक लगा देने होंगे, और फिर उन पिस्टन्स को एक्टिवेट कर देना होगा। ये करने के बाद आपको फिर पिस्टन्स को डीएक्टिवेट करके नीचे और डर्ट ब्लॉक लगा देने होंगे, और फिर से सारे पिस्टन्स को एक्टिवेट कर देना होगा। और ये करने के बाद ऊपर जितने भी डर्ट ब्लॉक है और पिस्टन्स है उनको यहाँ से हटा देना होगा, और फिर हमको यहाँ पर एक और स्लैब लगाना होगा, जिसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर डर्ट ब्लॉक बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ से एक ब्लॉक हटा देना होगा, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा देंगे, और इसके नीचे लगा देंगे एक स्लैब, और पिस्टन को एक्टिवेट कर देना होगा, और हमें स्लैब को और नीचे पुश करना पड़ेगा। ये करने के बाद हमें पिस्टन को हटा देना होगा, और फिर हमें एक ही ब्लॉक के ऊपर 4 आर्मर स्टैंड लगा देने होंगे अलग अलग डायरेक्शन में फेस करते हुए। और इसी तरह हमें ब्लॉक की मदद से एक के ऊपर 1 आर्मर स्टैंड लगा देना होगा। तो मैं उनको जल्दी से लगा देता हूँ। ये करने के बाद इनको गोल्डन हेलमेट पहना देना होगा, और बीच में जितने भी ब्लॉक है उनको हटा देना होगा। फिर बाद में ये कुछ इस तरीके से लगेंगे। फिर आपको यहाँ पर एक पिस्टन लगाकर उसके नीचे एक रेड कंक्रीट ब्लॉक लगा देना होगा, और उसको एक्टिवेट कर देना होगा। फिर आपको इसके बीच में एक ग्लास लगा देना होगा, और इसको नीचे पुश कर देना होगा, और फिर बाद में जितने भी ब्लॉक है और पिस्टन है उनको हटा देना होगा। फिर हमें पॉपकॉर्न मशीन के लिए 3 बैनर बनाने होंगे, जिसके लिए हम बैनर पर रेड स्ट्रिप लगाएंगे। फिर हमें इसके एक ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर 2-3 ब्लॉक एक के ऊपर एक लगा देने होंगे, और इसके ऊपर हमें एक फेंस गेट लगा देना होगा, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा के नीचे वाली ब्लॉक को ब्रेक कर देना होगा, और पिस्टन को एक्टिवेट करना होगा, और इसको हमें एक ब्लॉक और पुश करना होगा बिल्कुल ऐसे। ये करने के बाद जितने भी ब्लॉक है उनको हटा देना होगा। फिर हमें इन दोनों जगह रेड कारपेट लगा देना होगा, और जो बैनर हमने अभी बनाए थे उनको इस मशीन के तीनों साइड लगा देना होगा। तो इसी तरीके से आप अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक पॉपकॉर्न मशीन बना सकते हो। तो अगर आपको ये पॉपकॉर्न मशीन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जिनको भी माइनक्राफ्ट पसंद है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर दे, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये हैक कैसा लगा, या फिर कोई ऐसा हैक जो मैं पॉकेट एडिशन में ट्राई कर सकूं। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's so cool.